बेरोजगारी के चलते पढ़े लिखे डिग्री किए हुए बच्चों को मांगने पड़ रही है भीख। मामला जिला भिंड का। जिला भिंड के नगर आलमपुर में सुरेश माहौर वार्ड नंबर एक भगत सिंह नगर देभई आलमपुर द्वारा बीजेपी सरकार द्वारा इस लड़के को भीख मांगने को मजबूर कर दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्ग एक में तीसरे नंबर पर आया था, जिससे इस लड़की की नियुक्ति मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोक दी गई। इसी कारण से ये लड़का आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया है। मगर समस्त मोहल्ला वासियों ने समझाइश दी कि बेटा भीख मांगकर पेट भर लो, मगर आत्महत्या मत करो। सरकार निकम्मी है तो क्या हुआ, तुम अपना जीवन यापन भीख मांग कर लो। धन्य है मध्य प्रदेश सरकार, अब प्रदेश में पढ़े लिखे नौजवान भीख मांगेंगे, रोजगार के लिए नौकरियों के लिए नहीं है जगह। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। क्यों मांग रहे हो आप भैया? हट्टे कट्टे होने के साथ साथ हम एमए बीएड करे भी है, और मध्य प्रदेश में वर्ग एक चयनित शिक्षक भी है, कैटेगरी में एससी कैटेगरी में तीसरा नंबर लेके डीपीआई में, और ट्राइबल में सातवें नंबर पे हैं। लेकिन सन 2018 से मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार हमें नियुक्तियाँ नहीं दे पाई। आज हमारे भूखों मरने के दिन आ गए हैं, इसलिए घर घर जाके भीख मांग रहे हैं। और आज से ही भोपाल के लिए पदयात्रा प्रारंभ की है। आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हर कोई व्यक्ति मुझे भीख दे और एक वीडियो बना के सरकार की सुनवाई के लिए, जिससे सरकार सुन सके, सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें। मैं आप सभी का बड़ा आभारी रहूँगा। सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें, सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, जरूर सरकार के को जगाने के लिए ये कार्यक्रम मैं कर रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, घर घर जाके। वर्ग एक में आपका तीसरा नंबर है हिंदी विषय से कैटेगरी में तीसरे नंबर पे है, और ट्राइबल में भी सातवें नंबर पे है, इसलिए हर घर में जाके भीख मांग रहा हूँ। दोनों दोनों दोनों